तो वही निकाय चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच खटपट देखी जा रही है। बता दें कि निकाय चुनाव में सपा ने रालोद के गढ़ में प्रत्याशी उतार दिए थे और सपा से खटपट के बाद से ही कांग्रेस और रालोद के भविष्य में एक होने की बात भी अब राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है, तो आइए आपको सुनाते हैं कि 2024 की रणनीति को लेकर उन्होंने प्राइम टीवी से क्या कुछ कहा है। निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से सभी पार्टियों ने अपनी समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश कार्यालय पे एक समीक्षा बैठक की, जिसमें तमाम जरूरी निर्देश दिए गए मिशन 2024 को लेकर। इस समय हम राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी के साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ रणनीति जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल मिशन 2024 को लेकर बना रहा है। देखिए, लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को नए सिरे से उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अभियान चलाने में लगा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी 19 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। कुछ मध्य में भी और कुछ पूर्वी क्षेत्र में भी हम लोग जो है, जो हमारे 10 क्षेत्र बने हैं, उसकी समीक्षा बैठकें करने का निर्णय लिया गया है। तो पार्टी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिन जिन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मजबूती से लड़कर जीत सकते हैं, उन सीटों पर अभी से नए सिरे से बूथ कमेटी से लेकर के और संगठन का तंत्र मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। तो निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि सपा और रालोद में जो है वो अब दूरियां बनती हुई देखी जा सकती हैं। कई ऐसे सीट थे जहां पे बिना चर्चा किए सपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, और कई सीटों पर सपा के कैंडिडेट के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार थे वो अच्छे मार्जिन से जीत के आए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गठबंधन आगे चल के टूट सकता है, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में हम लोगों ने साझा रणनीति बनाने का एक पहल किया था कि दोनों दल मिल करके लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाएं। इसके लिए कमेटी बन गई थी, इधर से भी लोकदल की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बनी थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से कमेटी तो ज़रूर बनी लेकिन कभी भी कोई वार्ता नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई। और चुनाव के आते आते अंत में दोनों दलों ने अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत और बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, जिन सीटों पर लोकदल का ज़्यादा प्रभाव है, उन इलाकों में भी बिना किसी बातचीत के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लड़ गए। उससे नुकसान भी हुआ है, समाजवादी पार्टी तो हारी ही है। कई जगह रालोद समाजवादी पार्टी को हरा करके जीत गया, लेकिन कई जगह थोड़े थोड़े वोट से रालोद हार गया, इस नाते हार गया कि वहाँ समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो अनुभव अच्छा नहीं रहा स्थानीय निकाय चुनाव का। अब आगे क्या होगा, ये लोकसभा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में दलों के अंदर बैठकें होंगी, उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। नई परिस्थितियों में, नए दौर में तमाम राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए नए सिरे से आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर पिछले पंचायत चुनाव की बात करें तो सपा और आपके गठबंधन ने, रालोद के गठबंधन ने भाजपा से ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार नतीजा जो है वो काफ़ी उल्टा देखा गया। खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस जो है लोकसभा के लिए आरएलडी को ऑफर दे सकती है, क्या रालोद कांग्रेस के साथ जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकाय चुनाव में तमाम चीज़ें देखने को मिली है, बिना विचार विमर्श किए कई जगह प्रत्याशी उतारा गया है, तो कुछ ना कुछ खटपट सपा से देखी जा रही है और कांग्रेस ऑफर दे सकती है आरएलडी को लोकसभा चुनाव के लिए, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, इस चुनाव में रालोद ने अपनी
तावनेरिया नगर पालिका की सीटों की संख्या बढ़ाई है, उसका जनाधार बढ़ा है और अपने बलबूते चुनाव जीता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में परिवर्तन के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है और कांग्रेस सहित तमाम दल जिस तरह से आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं तो रालोद भी उस मुहिम का एक हिस्सा बनेगा। इस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आने वाले दिनों में बैठक करने वाला है और बैठक में ही तय होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तरफ देखा जाए कि जब अजीत सिंह रालोद की कमान संभाले हुए थे और सपा की कमान जो है मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी, उसके बाद भी एक राजनीति खींचातानी देखी गई थी। अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया था, उसके बाद वो केंद्र में गए थे। दूसरी पारी जयंत सिंह चौधरी और अखिलेश यादव ने खेलनी शुरू की, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अब खटपट आने लगी है। ये दूसरी बार है जब रालोद को सपा से निराशा हाथ हुई है, तो आने वाले समय में लोकसभा के लिए रालोद की क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस प्रकार से वो अपनी पार्टी का विस्तार करेगा और लोकसभा में अपनी एक मजबूत पकड़ रखेगा? देखिए, रालोद जो है लगभग 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर रालोद अपनी मजबूत पहचान और प्रभाव रखता है। लगभग 100 ऐसी विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में जिस पर उसका प्रभाव और उसके संगठन की ताकत है अच्छा वोट प्राप्त करने की। तो हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि इन 20 लोकसभा और 100 विधानसभाओं में हमारा संगठन मजबूती से काम करे, बूथ लेवल तक के कमेटियां बन जाएं, क्षेत्रीय कमेटियां बन जाएं, सेक्टर बन जाएं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक खटपट की बात है, थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण स्थानीय निकाय चुनाव में कोई आपस में तालमेल न हो सकने के कारण थोड़ी बहुत मरमरी रहती है, स्वाभाविक है, गठबंधनों में रहती है। जब भी किसी दल के साथ गठबंधन होता है तो कई चीज़ों पर मतभेद भी रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के व्यापक परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में, लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में पार्टियों को निर्णय करना पड़ता है। तो उस दृष्टि से लोकदल जो भी निर्णय होगा, राजनीतिक दलों का, मोर्चों का, आपस में अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच में, या आज़ाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर जी ने भी बहुत कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने जयंत चौधरी जी के साथ काम किया है। हमारे अनेक सभाओं में राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी लड़ रहे थे वहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद ने जाकर के संबोधित किया, सभाओं को संबोधित किया, उनके कार्यकर्ता भी लगे रहे, उनका भी प्रभाव है पश्चिम में। तो ये सारे दलों को मिलाकर के एक नया वातावरण बनेगा लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा के चुनाव में। क्या आप उम्मीद जता रहे हैं कि सभी जो है विपक्षी पार्टियां जो हैं इस लोकसभा के लिए एक साथ एक मंच पर आएंगी भाजपा के खिलाफ? ज़्यादा संभावना दिख रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 1-to-1 फाइट होगा और इसमें अधिकांश राजनीतिक दल एक मोर्चा पर आएंगे, जो नहीं आएंगे वो धारा से बाहर चले जाएंगे, ऐसी संभावना है। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के बाहर भी जा रहे हैं, तमाम देश के जितने भी क्षेत्रीय दल के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिले, ममता बनर्जी से मिले, वो KCR से भी मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में उनको इस बार करारी हार मिली, निकाय चुनाव में भी जनता ने उनको नकार दिया। एक तरफ वो अपने घर में हार रहे हैं लेकिन बाहरी लोगों से वो मदद ले रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो किस प्रकार से आप देखते हैं अखिलेश यादव की इस रणनीति को? देखिए, लोकसभा चुनाव में कोई 2-3 मोर्चा नहीं बनने वाले हैं, तीसरा मोर्चा नहीं बनने वाला है, तीसरा मोर्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहने वाला है। देश में जब भी मोर्चा बनेगा तो 2 ही मोर्चा बनेगा और उन 2 मोर्चा में ही लोगों को आकर के जुड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल जिनका एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई प्रभाव नहीं है, शून्य है, वो
पूरे देश भर में अलग अलग घूम करके क्या कर सकते हैं। हाँ, नीतीश का एक व्यक्तित्व ऐसा है कि बड़ा व्यक्तित्व है, और नीतीश कोशिश कर रहे हैं, पुराने जनता दल से निकले हुए तमाम सारे लोग हैं और वो विभिन्न प्रदेशों में नेतृत्व कर रहे हैं। कभी बीजू पटनायक बड़े नेता थे जनता दल में, आज उनके लड़के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। तो वो सारे जनता दल के घटक दलों के जो लीडर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश से जुड़े रहे हैं। नीतीश उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि भाई एक मोर्चा बनाया जाए, सशक्त मोर्चा बने जो विकल्प दे सके देश में, तो इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ भविष्य में तमाम संभावनाएं हैं परिवर्तन की और मोर्चा बनने की। राष्ट्रीय लोकदल भी इन चीज़ों पर विचार करेगा। तो क्या ये माना जाए कि ये राष्ट्रीय लोकदल जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ जा सकता है? नहीं, कोई अभी तक कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शन खुला हुआ है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रालोद भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, और पश्चिम के क्षेत्र में करीब 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे रालोद का सीधा प्रभाव है। हमने जब उनसे पूछा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस के साथ जाने का रुख तय कर सकते, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकल्प हमारे लिए भी खुले हुए हैं और इस लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की बात हो ही नहीं सकती, फाइट 1-1 होनी है। लखनऊ से विवेक शाही, कैमरा पर्सन नीरज के साथ प्राइम टीवी। तो आपने सुना कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनकी जो पार्टी है वो तैयारी में लगातार जुट गई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे दिए कि सभी पार्टियों से गठबंधन के रास्ते पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रालोद के खुल चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।